Assalamu alaikum guys, I am your computer teacher. So now we are now coming to MCQs, which was repeated in an intro test. First we have, which is not a computer code. So we have two options, ASCII and EDIC. So in this, the right option is EDIC. Move on next question. Non-volatile memory is. So we have non-volatile memory is. Options are given RAM, PROM and ROM. Non-volatile memory is ROM, which stands for read only memory, and RAM stands for random access memory. PROM stands for programmable read only memory. So right option is ROM. Which is not a binary number. बाइनरी नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो सिर्फ वन और ज़ीरो पर कंसिस्ट करें, जिसमें सिर्फ वन और ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट ना आए. सो अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं. चार ऑप्शंस में से आप देखें कि पहला ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 1001 एंड फोर्थ ऑप्शन है 01. तो ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कि वन और ज़ीरो के अलावा उसमें डिजिट आ रहा है कोई. सो वी हैव ए ऑप्शन 20. तो 20 जो है यानी कि 20 ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये बाइनरी नंबर में शामिल नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, क्योंकि बाइनरी नंबर मैंने आपको पहले बताया कि 1 और 0 पर मुश्तमिल होता है. तो नेक्स्ट है, विच इज़ द बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस. हमारे पास कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट भी है और हम इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी हमें गिवन करती है. ऐसी एक ही डिवाइस का नाम बताना है जो कि इनपुट भी ले और आउटपुट भी गिवन करे. सो हमारे पास ऑप्शन है जॉयस्टिक, मॉडेम, माउस. जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस जो कि हमसे सिर्फ इनपुट लेती है लेकिन हमें आउटपुट नहीं देती. इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. हम बात करते हैं नेक्स्ट के, तो मॉडम. मॉडम स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडम के मायने क्या होते हैं और ये कौन सी डिवाइस होती है. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन कब होता है और डीमॉड्यूलेशन कब होता है, जब डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में हम कन्वर्ट करें, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट इनटू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी एमसीक्यूज में से निकल आता है, वो ये है कि डीमॉड्यूलेशन कब होता है, जब एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो तो वो डीमॉड्यूलेशन होता है. तो मॉडम ये ऐसी डिवाइस है जो हमसे इनपुट भी लेता है और हमें आउटपुट भी फ्राहम करता है, यानी कि हमें आउटपुट भी देता है और इनपुट भी हमसे लेता है. सो इसका राइट आंसर है मॉडम. और अगर हम माउस की बात करें तो माउस तो यू नो कि माउस जो है वो ओनली इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है. सो इसका राइट आंसर है मॉडम. मूव ऑन नेक्स्ट. ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन. कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. बेसिकली ये बाइनरी कोडिंग स्कीम्स हैं, इनको हम बाइनरी कोडिंग स्कीम्स कहते हैं. ये टोटल 3 तरह की होती हैं. एक तो आपके सामने लिखी हुई है ASCII, और एक होती है EBCDIC, और थर्ड वन होती है UNICODE, यानी कि यूनिकोड. तो ये 3 टाइप्स होती हैं बाइनरी कोडिंग स्कीम्स की. तो ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. जो इसकी सेकंड टाइप होती है EBCDIC, उसकी एब्रिवेशन होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. और थर्ड वन जो होती है यूनिकोड, उसकी होती है यूनिवर्सल कोड, या फिर हम इसको यूनिवर्सल करेक्टर सेट भी कह सकते हैं. इसकी दो एब्रिवेशन होती हैं, यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल करेक्टर सेट. सो मूव ऑन नेक्स्ट MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. 1 MB. MB स्टैंड फॉर, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि MB और KB यहाँ पर क्या हमें बता रहे हैं कि MB क्या है, KB क्या है. MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट, और KB स्टैंड फॉर किलोबाइट. और अगर यहाँ पे हमसे एब्रिविएशन में ये भी पूछ सकते हैं कि GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट, TB स्टैंड फॉर टेराबाइट, PB स्टैंड फॉर पीटाबाइट, EB स्टैंड फॉर एक्साबाइट. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. स्टूडेंट्स बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको ये मेमोरी कैपेसिटीज़ जो हैं वो याद नहीं रहती, बिल्कुल लिटिल बिट वो मिस्टेक कर देते हैं अपनी कि MB और GB और KB और TB, इसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. तो आपको ये याद रखना है कि 1 KB मीन्स 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 bytes. फिर सेकंड वन में हमारे पास आते हैं वन, अगर उन्होंने पूछा होता कि 1 MB किसके बराबर है,
तो इसमें हमारे पास क्या मिस्टेक है ए वाले ऑप्शन में कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइट, लेकिन जब हमें किलो जो ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर हमसे पूछा होता है कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ 1024 किलोबाइट के। और अगर 1 गीगाबाइट पूछा होता तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जो नॉर्मली वो पूछते हैं इंटू टेस्ट में, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट का। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट एमसीक्यूज़। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इज, अब वो कौन सा प्रोसेस है कि हम किसी भी प्रोग्राम में से जो है वो एरर फाइंड आउट कर लें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बग, BUG बग। और अगर हम इस एरर को, जो हम प्रोग्राम में से एरर निकालते हैं, उस एरर को अगर हम रिमूव कर दें, सो उसको हम कहेंगे debug, DEBUG। बार कोड इज़ आर डैश डिवाइस, मीन्स बार कोड रीडर कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि चेक्स में या नॉर्मली जो आईडी कार्ड्स होते हैं उनमें एक लाइंस लगी हुई होती हैं, कोई कुछ थिक लाइन और थिन लाइन, तो उस लाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस लाइंस को रीड करने के लिए बारकोड रीडर को यूज़ किया जाता है। सो वो लाइंस जब बारकोड रीडर रीड करता है, तो वो हमें उसकी जो भी कार्ड है या जो भी डॉक्यूमेंट, जिस भी टाइप का डॉक्यूमेंट है, उसकी एक्चुअल डिटेल हमारे सामने लाकर दे देता है। सो ये है इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये रीड करता है उन दैट लाइंस पर। दिस इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। हम पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी थी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी रोम। सो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी, रैम, विच स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी ऐसी लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है कि जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, तो वो है मशीन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम गिवन होगा, किसी भी लैंग्वेज में, उसको हमें लाजमी कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि जब तक वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा, कंप्यूटर उसको एनालाइज नहीं कर सकेगा, उसको उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। सो इसके लिए लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, जिसके 3 टाइप्स हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। इंटरप्रेटर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है कि जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो कौन होता है, इंटरप्रेटर होता है। और इसमें और दूसरी जो इसकी टाइप होती है कंपाइलर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सेकेंड टाइप होती है कंपाइलर, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनका अलग अलग नाम क्यों रखा गया, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। सो इसमें डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम को वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम जो है वो ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर में ये एबिलिटी है कि वो होल प्रोग्राम को एक ही वक्त में, एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को वो कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को एक ही वक्त में कन्वर्ट कर देता है। सो ये दोनों, ये डिफरेंस था दोनों में, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। और कभी कभी ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को। तो आपने याद रखना है लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट करता है, या इंटरप्रेटर। सो इससे एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन था वो है असेंबलर, क्योंकि असेंबलर जो है वो, सॉरी, असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, और असेंबलर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। जी, सो मूव ऑन नेक्स्ट एमसीक्यूज। रैम स्टैंड्स फॉर, बहुत ईजी एमसीक्यूज है, मैंने आपको पिछले अभी बताया कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। या DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS stands for Database Management System, Relational Database Management System। और RDBMS की examples क्या क्या होती हैं, Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, ये सब example हैं RDBMS की। ये extra knowledge है जो मैं आपको transfer कर रही हूँ, क्या पता ये MCQs में आ भी जाए, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है DBMS and RDBMS। और DBMS की example होती है XML,
like XML file. Okay, so I hope you understand all this in MCQs, and thank you for watching this video. Allah Hafiz.